हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल के बारे में। हम पढ़ रहे हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस में चलेगा आज एल्कोहल। तो क्लास टेंथ बायोलॉजी, राजस्थान बोर्ड, चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, इसका लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो एल्कोहल के बारे में देखेंगे। तो आपको पता है हमने स्टार्ट किए हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ, जहरीले पदार्थ जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने गुटखा देखा था, फिर तम्बाकू देखी, और आज हम देखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल आप जानते ही हो, जब भी एल्कोहल की बात करें तो समझ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, दारू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे क्या होता है, और आप सब जानते ही हैं कि पीने के बाद क्या होता है, ये आप सिचुएशन देख सकते हो। खैर, एल्कोहल जिसको वाइन भी बोलते हैं, शराब भी बोलते हैं, तो एल्कोहल ध्यान रखना, एल्कोहल में मेन मेन चीज़ें हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना ज़्यादा कुछ भी। तो जो एल्कोहल में जो मेन कंपोनेंट होता है, जो मेन चीज़ होती है, वो होता है एथाइल एल्कोहल, या जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल। ध्यान देना, जो शराब होती है, एल्कोहल होती है, उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, इथाइल एल्कोहल, या जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल। और एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द या विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एल्कोहल, तो आपको बताना है इथाइल एल्कोहल। दूसरी चीज़, एथेनॉल इज हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस, मतलब ये जो एथेनॉल जो मिलाया जाता है, ये या इथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है, ये एडिक्टिव सब्सटेंस है। अगर आप इसको यूज करने लग जाओ तो फिर इसकी आदत पड़ जाती है, और नशीला पदार्थ है ये। ठीक है, इट्स परसेंटेज इज डिफरेंट इन डिफरेंट एल्कोहलिक बेवरेजेस, ये जितनी भी मतलब ब्रांड होती हैं, मतलब इसकी एल्कोहल की, सब में अलग अलग परसेंटेज पाया जाता है, किसका, इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल का अलग अलग परसेंटेज पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सब में समान रहता है। और ये जो सब्सटेंस है, जो एथेनॉल है, ये कैसा है, हाईली एडिक्टिव है। और बेवरेज क्या होती है, बेवरेज मतलब जो पीने योग्य होते हैं, पीने वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये बेवरेज, ये एल्कोहल भी, तो अलग अलग जो कंपनी की आती हैं उनमें सब में क्या मिलता है, अलग अलग परसेंटेज पाया जाता है, किसका, एथेनॉल का, या इसको हम बोलते हैं एथाइल एल्कोहल, जो कि एल्कोहल का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, बस इतना तो याद रखना है शराब के बारे में। अब शराब पीने के क्या, या एल्कोहल यूज करने के, एल्कोहल को कंज्यूम करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, क्या नुकसान हो सकता है अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल का यूज करता है। ठीक है, तो आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल का यूज करता है तो एक तो अलर्टनेस गायब हो जाती है, लैक ऑफ अलर्टनेस। मान लो किसी ने एल्कोहल यूज की, उसके बाद वो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि अलर्ट ही नहीं है उनको, मतलब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से संभावना रहती है कि एक्सीडेंट हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ बॉडी, अगर कोई व्यक्ति कंजप्शन करता है एल्कोहल का, तो हमारी बॉडी का जो, या उसकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो सही से काम नहीं कर पाता। अगर ड्राइविंग कर रहा है तो सही से ड्राइविंग नहीं कर पाता, अगर कोई भी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो भी एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं कर सकता। इवन इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है पीने के बाद कि ये सही से चल भी नहीं सकते, लड़खड़ा के चलते हैं नेक। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एल्कोहल का अगर यूज करते हैं लंबे समय तक, ठीक है, तो लीवर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, लीवर आपको पता ही है, हम पढ़ेंगे अभी सेकंड वाले चैप्टर में। लीवर क्या करता है, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एसीटिल्डिहाइड, जान दो, लीवर कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू एसीटिल्डिहाइड विच इज पॉइजनस एंड लीवर डैमेज इन लॉन्ग रन। ध्यान देना, लीवर जो है हमारा, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एसीटिल्डिहाइड में, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है, जहरीला पदार्थ है। और अगर लंबे समय तक हम अगर एल्कोहल का यूज करते रहें तो हमारा लीवर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, या जो भी व्यक्ति एल्कोहल का यूज कर रहा है लंबे समय तक, उसका लीवर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ध्यान देना, लीवर एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एसीटिल्डिहाइड। मेमोरी पावर रिड्यूसेस, मेमोरी पावर कम होने की संभावना रहती है। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार हो ही जाए। इट अफेक्ट्स दी नर्वस सिस्टम, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको भी अफेक्ट करता है। साथ के साथ में किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो जाती है। अब सीधी बात है, अब लगातार शराब शराब पीते रहे तो घर की कंडीशन भी तो खराब होगी, पैसा भी तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता रहता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन गिर जाती है। सोशल स्टेटस ऑफ पर्सन गॉट अफेक्टेड, अगर मान लो कोई व्यक्ति शराब पीता है और फिर मतलब ऐसी एक्टिविटी करता है जो मतलब लोगों को सही नहीं लगती, या बाहर जाके किसी को गाली गलौज, तो मतलब समाज में क्या इज्जत कम होती है, स्टेटस कम होता है, यार ये तो शराब ही है,
अगर घर में पी रहा है दैट्स ओके, पता नहीं है किसी को, मगर आप शो ऑफ कर रहे हो, दिखा रहे हो सबको, तो सोसाइटी में भी नाम खराब होता है। पियक्कड़, पौआबाज, शराबी, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं फिर। और सबसे इंपॉर्टेंट, शराब पीने से एक डिजीज होती है, वो है फैटी लीवर डिजीज। लीवर फैटी, फैटी का मतलब मोटा हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल से मतलब थोड़ा लीवर कैसा हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, ठीक है। तो द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एल्कोहल कॉजेस फैटी लीवर डिजीज। तो अगर कोई पूछ ले फैटी लीवर डिजीज का कारण क्या है, देन आपको बताना है कि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एल्कोहल, मतलब प्रोलॉन्ग का मतलब होता है अगर लंबे समय तक, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक एल्कोहल का यूज करता है तो बीमारी कौन सी होगी, फैटी लीवर डिजीज, मेन कारण एल्कोहल। दिस डिजीज अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन दी बॉडी। इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज़ का बनना या निर्माण होना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस है वो अफेक्ट होता है अगर हमारा लीवर अफेक्ट होगा तो। और लीवर किससे अफेक्ट होगा, एल्कोहल से अफेक्ट होगा, ठीक है। नॉर्मली लीवर ऐसा दिखाई देता है, फैटी होने के बाद थोड़ा मोटा हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है, फैटी डिपोजिट्स हैं इस पर। और लीवर में नीचे यहाँ पर एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और लीवर एक जूस बनाता है जिसका नाम है बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसको हम पित्त की थैली भी बोलते हैं, ध्यान देना। कई बार इसमें स्टोन्स पड़ जाते हैं तो उसको निकलवा दिया जाता है। ये देखो लीवर, फैटी लीवर को, ओके। तो बस इतना ही, आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारा स्टडी मटेरियल एज वेल एज जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।